स्वागत है आपका पालिका प्रशासन के ग्राउंड रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग हैं पनवेल महानगर पालिका अंतर्गत आने वाला जो कलमबोली का RTO ऑफिस है वहाँ पे, और आज हम आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे कि इस RTO ऑफिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इस RTO ऑफिस की हालत क्या है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि वो दिखाए कि एंट्रेंस गेट पे ही किस तरह से यहाँ पे खड्डा है, जो कि भले छोटा है लेकिन क्या है, यहाँ पे पानी भरता है बारिश के कारण, और हो सकता है कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो आने जाने में। और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कितना घातक है, मगर फिर भी यहाँ पे ऑफिस चलाया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से कि आगे साथ में हमारे चले ताकि हम आपको स्थिति दिखा सके RTO ऑफिस की। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पनवेल का RTO ऑफिस जो कि कलमबोली में है। पनवेल महानगर पालिका अंतर्गत आने वाला ये RTO ऑफिस है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से थोड़ा आगे चले ताकि हम आपको पास से दिखा सके कि इस RTO ऑफिस की हालत कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देने के लिए जो है लोखंड के बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जो स्ट्रक्चर है ऊपर का वो गिर ना जाए। इससे ये समझ में आता है कि ये बिल्डिंग की हालत जो है वो कितनी कच्ची हो चुकी है, मगर फिर भी यहाँ पे RTO ऑफिस चलाया जा रहा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे इससे भी बदतर हालत में RTO ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो किस तरह से खड़ी है और ये कितना रिस्की और जानलेवा हो सकता है लोगों के लिए जो यहाँ पे रोज़ आते हैं RTO ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए। इवन यहाँ पे जो कर्मचारी है यहाँ के, उन लोगों के लिए भी एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है RTO ऑफिस के जो फ्लोर्स है उसको, जो टेरेस का फ्लोर है उसको, और ये दर्शाता है कि ये कितना कच्चा काम है और ये कभी भी गिर सकता है। इस तरह से इस ख़तरनाक जगह पर RTO ऑफिस रहना एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ साबित होती है लोगों के लिए। यहाँ पे आने जाने वाले लोग एक तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इस RTO ऑफिस में आ रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। ये जो यहाँ पे लोखंड के पाइप्स भी लगाए गए हैं सपोर्ट के लिए, वो भी जंग खा चुके हैं, मगर फिर भी इसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। ना तो RTO ऑफिस कहीं शिफ्ट की जा रही है और ना ही कुछ और इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि इस ऑफिस की हालत कितनी ख़राब है। हम आपको और आगे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि इस ऑफिस में स्वच्छता का कितना बड़ा एक ध्वजा उड़ाई जा रही है स्वच्छता अभियान की। हम आपको आगे ही लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे कचरा फेंका गया है। जो प्रधानमंत्री है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं इतने समय से, उनके इस स्वच्छता अभियान की किस तरह से यहाँ पे ध्वजा उड़ाई जा रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं कि सलिए निकल चुके हैं, सलिए दिख रहे हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, कितना वीक हो चुका है ये स्ट्रक्चर। कभी भी ये टेरेस जो है, इसकी छत जो है वो गिर सकती है, किसी के भी सर पर गिर सकती है, किसी व्यक्ति की इससे जान भी जा सकती है, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पनवेल महानगर पालिका जो है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हालांकि ये कहा जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो सिडकों की है, मगर फिर भी जो ऑफिस है, जो RTO ऑफिस है, वो सरकार के अंडर आता है। तो हमारा सवाल सरकार से यही है कि क्या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका RTO का ऑफिस जो है पनवेल का, वो इस तरह से इस स्थिति में और ऐसी कच्ची बिल्डिंग में है जो कि कभी भी गिर सकती है और जिसकी वजह से किसी अधिकारी हो या कोई नागरिक हो उसकी जान भी जा सकती है। हम आपको आगे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि आगे स्वच्छता अभियान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उसकी हालत क्या है, लोग किस तरह से वहाँ पर गंदगी में काम कर रहे हैं और उनके भी और नागरिकों की जान को भी किस तरह से उस अस्वच्छता की वजह से खतरा हो रहा है। हम थोड़ा RTO ऑफिस के जो एरिया है उसके अंदर आए हैं। बिल्डिंग के जो अंदर का एरिया है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सीलिंग की हालत जो है वो कैसी है। यहाँ पे कभी भी किसी के ऊपर भी ये सीलिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो गिर सकता है। ये एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि लोगों को इसे समझना चाहिए, जो सरकार है उन्हें समझना चाहिए कि लोगों के लिए ये कितना घातक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीलिंग का आधा हिस्सा गिरा हुआ है, सलिए दिख रहे हैं, इसकी वजह से जो परिस्थिति है वो कितनी ख़राब है, लोगों की हालत इसकी वजह से कितनी ख़राब हो सकती है। कल को अगर ये गिरा किसी के सिर पर तो हो सकता है कि लोगों को जो है किसी की भी जान की हानि हो सकती है, चाहे वो अधिकारी हो या नागरिक।
हम आपको और दिखाना चाहेंगे आगे कि किस तरह से स्वच्छता अभियान जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि आगे हमारे साथ चले, यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से चाय के जो ग्लास है, बॉटल है, उन सब का कचरा पड़ा हुआ है। और आगे इससे भी बदतर हालत है, क्योंकि जो ड्रेनेज का पानी है वो बाहर गिरा पड़ा है, और इसकी वजह से कितनी बीमारियां फैल सकती है, लोगों की हालत ख़राब हो सकती है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, पेपर का कचरा, बॉटल का कचरा, खाकर फेंके हुई चीज़ों का कचरा, वही यहाँ पे जो ड्रेनेज का पानी है वो बाहर आया हुआ है। इसकी वजह से कई लोग जो है वो बीमार पड़ सकते हैं, जो अधिकारी हो या नागरिक, उनकी जान को एक तरह से यहाँ पे खतरा है। मगर कहीं ना कहीं इसमें सरकार की, पनवेल महानगर पालिका की जो अधिकारी है, जो आयुक्त है, जो कि पनवेल महानगर पालिका के जो विधायक है, उनकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति जो है वो पनवेल के आरटीओ ऑफिस की है, जो कि कलमबोली में स्थित है। इस तरह की इस स्थिति के कारण लोगों की हालत है वो ख़राब हो सकती है, वे बीमार पड़ सकते हैं। इस तरह का गंदा पानी, कचरा भरा हुआ, और इस तरह से जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से कई लोगों की हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। ये अगर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें से कोई भी हिस्सा अगर किसी पर गिर गया तो हो सकता है कि उस इंसान की जान जा सकती है, या फिर वो इंजर्ड हो सकता है, उन्हें उनके हाथ पैर वगैरह में कोई चोट आ सकती है। तो हमारे आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने आपको पनवेल महानगर पालिका अंतर्गत जो कलमबोली का आरटीओ ऑफिस है उसकी स्थिति बताई, और स्थिति देखकर आप भी समझ ही चुके होंगे कि क्या हालत है इस आरटीओ ऑफिस की, और यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग काम करते हैं उन लोगों की। मगर ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि वे भी इसके ऊपर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे, उन्हें भी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं नज़र आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो नागरिक है, जो रोज़ आते हैं इस आरटीओ ऑफिस में, उनके लिए और उन अधिकारियों के लिए ये जो धोखादायक, एक तरह से हम कह सकते हैं, बिल्डिंग है, उसका खतरा, उसके गिरने का खतरा लोगों के सिर के ऊपर हर रोज़ मंडराता है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है लोगों की जान के लिए। तो हमारी सरकार से और पनवेल महानगर पालिका जो है उनसे यही दरख्वास्त होगी कि वे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, कोई हल निकाले, जिसकी वजह से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो नागरिक हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें हो सके तो कोई और जगह दे, जिसकी वजह से जो आरटीओ ऑफिस है वो कहीं कोई अच्छी जगह पे जा सके, जहाँ ना नागरिकों को ना ही यहाँ के अधिकारियों को कोई जान की हानि हो। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो सरकार है, फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है, उनसे कि वो इस पर एक बार ध्यान दे कि जो आरटीओ ऑफिस है उसकी स्थिति क्या है, और उसे अगर कहीं ना कहीं सही कर सके तो यहाँ के नागरिक और अधिकारी, इन दोनों के लिए सही होगा। धन्यवाद।